तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट कैसे ही बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे दोस्तों ऐसा कोई तरीका नहीं बताया गया, मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यूट्यूब पे नया होगा तरीका, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बड़ा ही ईजी तरीके से बताऊँगा। आपको अपना ब्राउज़र खोलना है, ठीक है। एक ब्राउज़र खोलने से पहले एक बात बता दूं, अगर आपने इसमें से कोई भी पेमेंट इनमें से कोई भी ऐप का यूज़ किया है तो जो भी आप पेमेंट करते हैं वो भारत बिल पे के थ्रू ही पेमेंट होता है। भारत बिल पे एक वेबसाइट है, उसी के थ्रू ही आपका पेमेंट मतलब 48 घंटों के अंदर कंफर्म किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है। यहाँ पर लिखना है भारत बिल पेमेंट, ठीक है, भारत बिल पेमेंट रिसिप्ट, ये आपको सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे पहली लिंक जो आएगी आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है एंटर मोबाइल नंबर फ्रॉम डेट टू सेलेक्ट टू डेट, सेलेक्ट फ्रॉम डेट सेलेक्ट टू डेट, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम डेट का मतलब हुआ जितने भी दिन, जितने और जितने दिन के बीच में आपने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट आपको अगर शो करनी है तो यहाँ पर मैं इसको भर के दिखाता हूँ, ऐसे भी आप भी भर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल नंबर और फ्रॉम डेट टू टू डेट लिख दिया है। फ्रॉम डेट मतलब इन किस मतलब डेट के बीच में आपने पेमेंट किया था उसकी रिसिप्ट चाहिए, वो डेट आपको डालनी है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपने मैंने आज की डेट डाल दी है और साथ ही साथ पिछले दो महीने पहले की ऐसे ही डेट डाल दी है कुछ भी, ठीक है। तो उन दो महीने के बीच में मैंने जो भी पेमेंट किया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं वो जो नंबर मैंने पीछे अभी दिया था उस पर एक OTP आएगी, तो OTP मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों OTP है ये 93 49 31 93 49 31, ये मैंने सबमिट किया इसको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो भी पेमेंट है, यहाँ पे आप लोग डेट दे सकते हैं, डेट यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपकी लेटेस्ट पेमेंट होगी यहाँ पे लिखा होगा। तो ऊपर वाला जो है वो लेटेस्ट पेमेंट है, मतलब अभी रिसेंटली में जो आपने पेमेंट किया है। तो मैंने देखिए 12 तारीख को ये पेमेंट हुई है, उसकी रिसिप्ट मुझे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन ID का ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और बाकी नीचे जो रिसिप्ट हैं ये पुरानी रिसिप्ट हैं जो मैंने पहले पेमेंट किए थे, ठीक है। तो ये पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए मैंने जितने का पेमेंट किया था सब कुछ इस पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन ID पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरा बिल का रिसिप्ट है, कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये भारत बिल पे के द्वारा ही ये पेमेंट आपको मतलब ये रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका प्रिंट लेना है। तो आप नीचे देख सकते हैं लिखा है प्रिंट दिस पेज, आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आपको लिखा है प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक करना है और ये देखिए आपका यहाँ पे ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे PDF देखिए लिखा हुआ है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डॉट लिखा हुआ है, 3 डॉट पर क्लिक करिए, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद ये सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सेव हो गया, अब ये मेरे डायरेक्टली फाइल मैनेजर में जाके सेव हो गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके इसको देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको फाइल मैनेजर में कैसे जाके देखना है, ठीक है। कभी भी आपको प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर, जैसे मेरा ऐप है जो भी है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा मैं PDF पे, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का रिसिप्ट मेरा यहाँ पर देखिए लिखा आ गया है, ये देखिए। तो कुछ इसी तरह से ये सेव हो जाता है आपके फ़ोन में, ये देखिए वो रिसिप्ट आ गई है जो भी मैंने डाउनलोड की थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों बाय बाय, बस इतनी सी थी वीडियो।